हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में से सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें दी गई है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक सॉलिड है जो इस शेप में है कि एक कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और उन दोनों की ही रेडियस हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर एंड कोन की जो हाइट है वो कहा गया है कि वो उनके रेडियस के ही इक्वल है, दैट मीन्स कि वो भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और हमें यहाँ पर इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मीन्स कि जब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पर पाई की वैल्यू को 22/7 या फिर 3.14 पुट नहीं करना होगा, वहाँ पर हम उसको एज इट इज़ पाई ही रखेंगे। सो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू इट्स रेडियस यानी कि 1 सेंटीमीटर और दोनों की रेडियस हमें दी गई थी 1 सेंटीमीटर। तो अब इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें उस कॉनिकल पार्ट के वॉल्यूम को और हेमिस्फेरिकल पार्ट के वॉल्यूम को एक साथ ऐड करना होगा। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr² h एंड हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। अब हम जब यहाँ पर r की और h की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो r की वैल्यू भी 1 है और h की वैल्यू भी 1 है, इसी तरह से यहाँ पर भी r³, तो यहाँ पर भी हम उसको 1 ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में है 1/3 πi यानी कि π/3, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास है 2/3 πi यानी कि 2π/3 और जब हम इनको एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/3। अब यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से इस सॉलिड का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा π³ cm। नाउ सम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाई यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया है जिसके बीच में एक सिलेंडर होगा और उसके दोनों सिरों पर 2 कोन्स लगे हुए होंगे और ये जो मॉडल है वो एल्यूमिनियम शीट से तैयार किया जाना है। अब आगे हमें कहा गया है कि जो इसका डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है और जो इसकी लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर एंड इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि उस मॉडल के अंदर जो हवा है एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, मीन्स कि एक तरह से हमें उस मॉडल का ही वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि उसके बीच में सिलेंडर है और उसके दोनों सिरे कॉनिकल शेप में हैं, इसकी कंप्लीट हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें से सिर्फ सिलेंडर की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों तरफ से इन कोन की हाइट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसे कि स्टेटमेंट में ही हमें दिया गया है कि उन दोनों कोन्स की हाइट है 2 सेंटीमीटर, मीन्स हम 12 में से 2 को और 2 को दो बार माइनस कर देंगे, सो 12 - 2 - 2 तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर हमें दिया गया था 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2, जिसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। सो नाउ फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हाइट H1 ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट इज 2 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पर दो तरह की हाइट यूज़ होंगी, एक कोन की हाइट और एक सिलेंडर की हाइट, तो कोन की हाइट को यहाँ पर डिनोट किया गया है H1 से और सिलेंडर की हाइट को डिनोट किया गया है H2 से। आप चाहो तो इसमें से एक हाइट को स्मॉल h और दूसरे हाइट को कैपिटल H से भी डिनोट कर सकते हो। तो कोन की हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमें 12 में से 2 को 2 टाइम्स ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरह से 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर एंड जो उसकी रेडियस होगी, तो सिलेंडर की एंड कोन दोनों पार्ट्स की रेडियस यहाँ पर सेम होगी, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस टू टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन्स, क्योंकि वहाँ पर दो कोन्स लगे हुए हैं इसलिए हम एक कोन के वॉल्यूम को ही टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि उसकी हाइट को एच टू से रिप्रेजेंट किया गया था तो फॉर्मूले में भी हम यहाँ पर एच टू ही लिख देंगे। कोन की जो वॉल्यूम है उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि उसकी हाइट को एच वन से रिप्रेजेंट किया गया था तो यहाँ फॉर्मूले में भी हम एच वन ही लिख देंगे, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को टू से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। तो पाई देन आर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, उसके बाद एच टू, तो एच टू को यानी कि सिलेंडर की हाइट को हमने फाइंड आउट किया था 8, इसी तरह से फिर 2 × 1/3 × पाई, देन अगेन आर का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और एच वन यानी कि उस कोन की हाइट जो कि हमारे पास है 2। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस टर्म के लिए पाई 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 × 8, तो 4 से 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, तो 2 × 9 = 18, साथ में है पाई। इसी तरह से यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये है 2 × 1/3 × पाई, एंड 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 × 2। तो यहाँ पर 3 से आप 9 को डिवाइड कर सकते हो 3 पर, 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हो 2 पर, और फिर इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 × पाई। नाउ जब हम इनको ऐड करेंगे तो 18 + 3 = 21 पाई, एंड अब यहाँ पर आप उस पाई की वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो 7 से 21 को 3 पर डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 3 × 22 यानी कि 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जब भी आप किसी शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो तो आपको हमेशा उसकी यूनिट का क्यूब ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट सम में पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसी तरह से अब यहाँ पर सेकंड सम में 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सम नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि किसी गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप होता है, शुगर सिरप यानी कि चाशनी। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, कि 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप होगा यानी कि कितनी चाशनी उनमें होगी। सो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 cm एंड डायमीटर 2.8 cm। तो जो गुलाब जामुन है उनकी जो शेप है वो सिलेंडर की तरह से है जिसके दोनों एंड्स पर दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, इसकी टोटल लेंथ है 5 cm और इसका डायमीटर है 2.8 cm। तो इस तरह से आप उसके डायग्राम को देख सकते हो कि जो गुलाब जामुन है वो बीच में से है सिलेंडर की शेप में, और उसके जो दोनों सिरे हैं वो हेमिस्फेयर की शेप में हैं। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि इसका जो डायमीटर है वो 2.8 cm है, तो अगर इसका डायमीटर 2.8 cm है दैट मीन्स कि इसकी रेडियस हो जाएगी 1.4 cm। वी कैन राइट दैट इट कैन बी ऑब्जर्व रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी कि सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर दोनों की ही रेडियस इक्वल होगी, दैट इज 2.8/2 मीन्स 1.4 cm। और इसकी कंप्लीट लेंथ हमें दी गई है 5 cm, जिसमें से केवल सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी टोटल लेंथ में से यानी कि 5 cm में से उन दोनों हेमिस्फेयर की रेडियस को माइनस करना होगा। सो लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और उन दोनों ही हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो लेंथ होगी मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा एंड ये वाला जो पार्ट होगा ये दोनों ही उन हेमिस्फेयर की रेडियस के ही इक्वल होंगे। और हमें सिलेंडर की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए उस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ में से उन्हीं दोनों को माइनस करना है, मीन्स लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 5 − 2 times ऑफ लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ पर जब हम 5 में से 1.4 का 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 1.4 का 2 टाइम्स मीन्स 2.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 cm, और यही उस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है। तो अब यहाँ पर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके एक सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है,
और साथ ही उसके दोनों सिरों पर जो दो हेमिस्फीयर लगे हैं उन हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। नाउ पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज एंड 2 × 2 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो पाई देन आर स्क्वायर यानी कि 1.4 का स्क्वायर एंड एच मीन्स 2.2। नाउ 4/3 देन पाई एंड आर क्यूब मीन्स 1.4 का क्यूब। तो अब यहाँ पर जब हम इनको सोल्व करेंगे तो पाई की भी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, दैट इज 22/7। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए आप 7 से 1.4 को डिवाइड कर सकते हो 0.2 पर। तो 22, 0.2, 1.4 एंड 2.2 इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 13.552। एंड इसी तरह से यहाँ पर जब हम इन सभी को एक साथ सोल्व करेंगे तो 7 से 1.4 को आप डिवाइड कर सकते हो 0.2 पर। तो 4, 22, 1.4, 1.4, 0.2 इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करके देन जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.498, जिनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 25.05। और यही उस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। बट क्योंकि हमें पता है कि टोटल गुलाब जामुन जो है वो है 45, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को ही 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 1127.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज़ इक्वल टू 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि गुलाब जामुन के अंदर उनके वॉल्यूम के 30% के इक्वल शुगर सिरप है यानी कि चाशनी है, तो इसलिए अब हम उन 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का ही 30% फाइंड आउट करेंगे। और इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आप यहाँ पर 0 से इस 0 को डिवाइड कर दोगे, देन अब यहाँ पर 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको हमें डिवाइड कर देना है 10 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 338.17 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 338, यानी कि उन 45 गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप है वो 338 क्यूबिक सेंटीमीटर है। नाउ इसके बाद सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है वुड का यानी कि लकड़ी का बना हुआ, एंड उसको एक पेन स्टैंड में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि उसको एक पेन स्टैंड बनाने के लिए उसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन यानी कि कोन के शेप के 4 गड्ढे बनाए गए हैं। आप इस तरह से यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, ताकि उन गड्ढों में पेन्स को खड़ा किया जा सके। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इफ़ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 15 cm x 10 cm x 3.5 cm, यानी कि उस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, और जो कॉनिकल डिप्रेशन वहाँ पर बनाए गए हैं हमें उनकी रेडियस और उनकी डेप्थ भी गिवन है। रेडियस है 0.5 और उनकी जो डेप्थ यानी कि जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो उस लकड़ी के जो पैन स्टैंड है उसमें कितनी लकड़ी है उसका वॉल्यूम उसका आयतन हमें यहाँ पर बताना है। सो नाउ जैसे कि हमें पता है कि क्यूबॉइड के डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, और साथ ही साथ कोन के भी डायमेंशंस यानी कि उसकी रेडियस और उसकी डेप्थ हमें गिवन है, तो उसकी डेप्थ को ही हम उसकी हाइट भी मान सकते हैं। सो डेप्थ मीन्स एच ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इज 1.4 एंड इट्स रेडियस इज 0.4। तो उस लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पर एक कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 × πr²h, एंड उसी को 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे L×B×H यानी कि 15 × 10 × 3.5, एंड जब कोन के डायमेंशंस को हम पुट करेंगे तो 4 × 1/3 × π देन आर स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर उसकी रेडियस हमें दी गई थी 0.5, इसको हम 5/10
या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड उसकी जो हाइट है 1.4। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर tan ओ 3.5 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 35, सो 35 इंटू 15 इज़ 525। एंड नाउ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, देन 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, एंड 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10। तो इसको पूरे को सोल्व करने के लिए 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा 2 पर, देन 22 एंड 2 इन दोनों का प्रोडक्ट 44 और डिवाइड बाय 3 इंटू 10 यानी कि 30। तो जब 44 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 1.47, एंड इनको सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देंगे 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही उस लकड़ी का वॉल्यूम हो जाएगा जो उस पेन स्टैंड के अंदर है। तो ये थे एक्सरसाइज 13.2 के सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।